हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लॉग है दफ में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरीटेट सब्जेक्ट इंग्लिश मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। माई मदर इन लॉ इज ब्लाइंड, ब्लैंक वन आई। क्या भराएगा यहाँ पर, फ्रॉम, इन, ऑन या ऑफ? माई मदर इन लॉ इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, मानी एक आंख से अंधी है। सवाल नंबर 2 है, ही इज वेरी ग्रेटफुल। खाली जगह मी, फॉर, टू, फ्रॉम या विद। तो इसका सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर 2। टू, ही इज़ वेरी ग्रेटफुल टू मी, यानी ग्रेटफुल के साथ हमेशा क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 3 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जनार्दन वाज अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, ऑन, विद या फोर? तो जनार्दन वाज अपॉइंटेड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू। सवाल नंबर 4 है, द प्लेयर्स हैव गॉन द प्लेग्राउंड। क्या हो जाएगा, इन, ओवर, विद या टू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू। द प्लेयर्स हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड। सवाल नंबर 5 है, अहमद कम्स या अहमद हेयर एवरी डे, यानी गोइन, कम्स, इवेंट या गोन। क्या हो जाएगा, कम्स, अहमद यहाँ रोज आता है। सवाल नंबर 6 है, चूज द करेक्ट अटेंडेंस। राम एंड रमेश आर फास्ट फ्रेंड, द इज ए फार्मर वाइल द लेटर इज ए पुलिस ऑफिसर। तो फॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मल। सवाल नंबर 7 है, चूज द करेक्ट अटेंडेंस। सी इज द, क्या ऑफ द टू सिस्टर्स, क्लेवर, क्लेवरर या क्लेवेस्ट? या दो बहनों के दरमियान में मुआवजा हो रहा है इसलिए क्लेवरर हो जाएगा। अगर दो से ज़्यादा के लोगों के दरमियान में मुआवजा होता तो क्लेवरेस्ट हो जाता। सवाल नंबर 8 है, बेंगलोर इज द सिटी ऑफ इंडिया, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट या नन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीनेस्ट। बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के तमाम शहरों से सबसे साफ सुथरा है, इसलिए तमाम शहरों से मुकाबला हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्लीनेस्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, द न्यू क्लर्क इज देन हिज प्रीडिसेसर। तो बैड, गुड, बैडर या वर्स? क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्स। द न्यू क्लर्क इज वर्स देन हिज प्रीडिसेसर। सवाल नंबर 10 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई हैव ईटन ए मैंगो, एक्टिव है, ए मैंगो ईटन बाय मी। यहाँ पर क्या बनाएगा, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, वाज बीन। क्या बनाएगा, तो इसका साथ हैज बीन बनाएगा, क्योंकि मैंगो एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव और का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 11 है, द मदर कुक द फूड, एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना, द फूड कुक्ड बाय द मदर। तो क्या बनाएगा, वाज, वाज बीइंग, इज या आर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वाज, क्योंकि कुक्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर वाज का इस्तेमाल होगा। अगर ये थर्ड फॉर्म में होता तो यहाँ पर हैड या हैड लगा रहता, लेकिन यहाँ पर कुक्ड सेकेंड फॉर्म में है इसलिए वाज इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 12 है, राइटिंग इज द, खाली जगह, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, अल्फाबेटिकल, सिस्टमेटिक या फोनेटिक या ग्राफिकल? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ग्राफिकल। सवाल नंबर 13 है, एन एग्जांपल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियर इज, इसमें से एडवर्बियर, लिंकिंग एडवर्बियर कौन सा है, मिसाल है, योर है, द है, दीज है, सो है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सो। सवाल नंबर 14 है, डिड यू रियली द मनी यस्टरडे, नीडेड, नीड, 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 क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीड। यहाँ पर डिड पहले इस्तेमाल हुआ है इसलिए नीड का इस्तेमाल होगा। डिड के जगह पर हैव या हैज रहता या हैड रहता तो यहाँ पर नीडेड होता।
सवाल नंबर 15 है यू डोंट स्मोक। यहाँ सवाल कर रहा है डोंट यू, हैव यू, आर यू, डू यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डू यू। यू डोंट स्मोक, डू यू। सवाल नंबर 16 है द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्टेफन पिंकर, जीन पियाजेट, नॉम चॉम्स्की, स्टेफन क्रासेन। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नॉम चॉम्स्की। सवाल नंबर 17 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आई डोंट नो ब्लैंक सी वांस कैच हु व्हाट होम या डैट क्या भराएगा। तो ये इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आई डोंट नो व्हाट सी वांस वो क्या चाहती है, मैं नहीं जानता वो क्या चाहती है। सवाल नंबर 18 है चूज द करेक्ट अटेंडेंस द प्राइम मिनिस्टर वाज वेलकम्ड हिज अराइवल बाय हिज एडमायर्स एज एट इन या ऑन। तो वेलकम ऑन हिज अराइवल बाय हिज एडमायर्स। सवाल नंबर 19 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सी टेक्स हर मदर फ्रॉम बिफोर बिहाइंड आफ्टर। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेक्स आफ्टर का मतलब अपनी माँ के मुशाबा होना है बराबरी का होना सी टेक्स आफ्टर हर मदर। सवाल नंबर 20 है आई कैनॉट मेक व्हाट इज बिगर वांस ऑफ आउट अबाउट या ऑफ। तो मेक इसके साइज आउट इस्तेमाल होगा मेक आउट में होता है समझना आई कैन नॉट मैं नहीं समझ सकता व्हाट दिस बिगर वांस वो फकीर क्या चाहता है ये फकीर क्या चाहता है। सवाल नंबर 21 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिस न्यूज इज गुड टू बी ट्रू सो मच वेरी टू क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टू जब भी टू अगर किस एडजेक्टिव के बाद टू इस्तेमाल हो तो ही उसके साथ हमेशा TOO का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 22 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेज। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना। सवाल नंबर 23 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के मतलब होता है बदसलीका तो इसका डिसलाइक, क्लमसी, फ्रेल या चीट क्या हो जाएगा क्लमसी। सवाल नंबर 24 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेम। ब्लेम का यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है ब्लेम का मतलब है इल्जाम लगाना सेंस्योर, ऑबियस, फ्रेल, चीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंस्योर। सवाल नंबर 25 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है एक चौसर का एक खेल, एक किस्म का खेल है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा पेरिन। सवाल नंबर 26 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोरोस। मोरोस का यहाँ पर आपको सिनोनिम पूछा है तो मोरोस का सिनोनिम हो जाएगा सल्की। सल्की भी होता है, ग्लूमी भी होता है, डाउन भी होता है, सैड भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर एंटोनिम पूछता तो चेयरफुल, हैप्पी होता। सवाल नंबर 27 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दिस देन। दिस देन के मतलब होता है हकीर जानना तो यहाँ हकीर जानना तो इसका सही होगा पेरिल है, डिस्टेस्ट है, कंट्रोल है तो डिटेस्ट हो जाएगा। हकीर जानना मतलब नफरत करना, इसको माने में आता है डिटेस्ट। सवाल नंबर 28 है मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है तस्वीरात पैदा करने वाली ताकत, पेरिल, विजन, सल्की या डिस्ट्रॉय। तो विजन हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 29 है मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एपेथी। एपेथी का मतलब होता है आपका एपेथी। एपेथी मतलब मुर्दा दिली, कंसर्न, विजन, सल्की या डिस्ट्रॉय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंसर्न। सवाल नंबर 30 है मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बैफल। बैफल का मतलब होता है धोखा देना तो कंसर्न है, कोऑपरेट है, फिल्टर है, डिस्ट्रॉय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोऑपरेट, ताउन करना, मदद करना। सवाल नंबर 31 है मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पैनिक।
पैनिक का जो है आपको एंटोनिम बताना है। काम है कॉपरेट, पैनिक क्या मतलब है खतरनाक, तो काम है कॉपरेट है, फैटी है, फैटी है, डिस्ट्रॉय है, तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक काम सन्नाटा। खौफजदा माहौल जो होता है उसको कहते हैं पैनिक, तो जो शांत इलाका होता है उसको कहते हैं काम। सवाल नंबर 32 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का क्या हो जाएगा काम है, स्प्यूरियस का मतलब होता है खोटा, तो काम है ओरिजिनल है ब्लिट है डिस्ट्रॉय है, तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओरिजिनल। दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।